Tissues, the general concept. First the headings. Defining tissues, simple and compound tissues, different types of tissues and function of tissues. So first the definition. So tissue is basically a group of cells which differentiate together during developmental process for performing single job or single function. स्टूडेंट्स अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कहते हैं कि टिशू सेल्स का कैसा ग्रुप है जब वो डिफरेंशिएट हो रहा होता है डिवेलपमेंट के प्रोसेस के दौरान तो वो सारे के सारे सेल्स इकट्ठे डिफरेंशिएट होते हैं जब इकट्ठे डिफ्रेंशिएट होते हैं तो वो सारे मिलकर एक ही फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे होते हैं अगर वो अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे तो फिर वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म वो सेम फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे इसलिए टिश्यूज़ जो होते हैं वो आमतौर पर डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान ही इकट्ठे उनकी डिफ्रेंसी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सेम फंक्शन जब परफॉर्म करते हैं टिश्यूज़ की दो तो, अगर हम ओवरऑल देखें टिश्यू के कंपोजिशन वाइज अगर हम देखें तो कंपोजिशन वाइज टिश्यूज़ की हमें दो डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं सिंपल टिश्यूज़ एंड द कंपाउंड टिश्यूज़ सिंपल टिश्यूज़ वो हैं जिनको बनाने वाले तमाम सेल स्ट्रक्चरली भी सेम हैं किसी भी टिशू के जो तमाम सेल फंक्शन तो वो सब सेम करेंगे ही करेंगे लेकिन अगर उनका स्ट्रक्चर भी सेम है स्ट्रक्चर भी सेम है फंक्शन भी सेम है तो फिर ऐसे टिश्यूज़ के लिए हम क्या यूज करेंगे सिंपल टिश्यूज कहेंगे कि वो सब एक जैसे टिश्यूज सेल्स हैं इसी तरह से अगर किसी टिश्यू को बनाने वाले सेल्स जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो अब वो जो सेल्स जो एक टिश्यू बनाएंगे यानी हम सिंपल कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे मे एक आ टिशू दैट इज़ कॉल्ड द कंपाउंड टिश्यूज अब कंपाउंड टिश्यूज़ में एक चीज़ आपने याद रखना कि वो टिश्यूज तमाम सेल्स ने काम सेम करना है लेकिन वो स्ट्रक्चरली क्या होंगे डिफरेंट होंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चरली डिफरेंट जिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलकर एक टिशू बना रहे हैं तो वो कंपाउंड टिशू है और अगर एक जैसे सेल्स एक टिशू बना रहे हैं तो दैट विल बी द सिंपल टिश्यू द क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज टिश्यू को ब्रॉडली हम उनकी उनके काम के लिहाज से उनकी लोकेशन के लिहाज से जब वो फोर मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सबसे पहले हमारे पास हैं एपीथीलियल टिशूस एपीथीलम का मतलब ये आउटर मोस्ट तो ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्रीज को बनाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज का काम आमतौर पर जो होता है वो यानी कि विद इन बॉडी जो होता है वो मटेरियल को स्टोर करना है ऑर्गन्स को पकड़ कर रखना है स्पेसिफिक लेयर्स को जो है वो अरेंज करना होगा तो सेकंड जो टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यूज है थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज द मसल टिश्यूज मसल टिश्यूज आमतौर पर क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं मूवमेंट का बायस बनते हैं नर्वस टिश्यूज तो ब्रेन के जो टिश्यूज होते है, जो दे हैं दे आर एक्चुअली द नर्वस टिश्यूज हैं सो द फंक्शंस फंक्शन जैसे अभी हमने कुछ डिस्क्राइब किया है कि पहली बात यह कि, कि किसी भी टिश्यू ने एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करनी है मतलब एक टिश्यूज है वो एक खास फंक्शन परफॉर्म करेगा दूसरी टाइप का टिश्यू दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा जैसे एक एग्जाम्पल में अगर आप दूँ हमारे स्टोमिक है हमारे स्टोमिक के अंदर कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज ने क्या करना सिर्फ एनजाइम्स क्रिएट करना है गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट करना है उन्होंने कोई और बाकी काम नहीं करने हैं स्टोमिक के अंदर कुछ टिश्यूज़ हैं जिसको हम यानी कि मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं मस्कुलर टिश्यू ने गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट नहीं करना बल्कि उसने क्या करना है कि अपने मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू फूड को मिक्सअप करना है तो यानी हर टाइप का टिश्यू एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करेगा और वो उसी काम के लिए स्पेशलाइज है जैसे अगर हम स्केल्टर मसल्स हैं हमारे जो स्केल्टर टिश्यूज़ हैं स्केलेटल टिश्यूज़ का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना जो स्केलेटन बनाना हमारी बॉडी को सपोर्ट देना नर्वस टिश्यूज़ नर्वस टिशू का काम है कि कम्युनिकेशन करना ब्रेन का क्या काम है ब्रेन का काम है तमाम बॉडी पार्ट्स के दरमियान कम्युनिकेशन करना तो इस तरह से नर्वस टिश्यू का काम क्या होगा टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इस तरह से हमारे पास मसल टिश्यूज हैं मसल टिश्यूज़ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो बॉडी की जितनी भी मूवमेंट हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी जो आप मेरी टांग मूव कर रही है जबान जो चल रही है वो बेसिकली किस वजह से चल रही है ड्यू टू द मसल टिश्यूज अच्छा ये आपने याद रखना है कि जो स्केलेटल टिश्यूज हैं इनकी इन्फॉर्मेशन है कि स्केलेटल टिश्यू आम तौर पर जितने भी हैं वो किसी न किसी बोन के साथ अटैच हैं सिर्फ हमारी जबान के वो टिश्यूज़ हैं जो किसी बोन के साथ अटैच नहीं है लेकिन उसके बावजूद एक सिकेल्ट्रल टिश्यूज़ हैं